भारतीय कार बाजार में आजकल जिस सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा नज़रें हैं वो है सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2021 की उन 10 सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो भारतीय कार बाजार में सबसे ज़्यादा बिकी है अप्रैल 2021 के महीने में। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहते हैं। साथियों, मज़े की बात ये कि हम 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात कर रहे हैं, जबकि सेगमेंट में अभी भारतीय कार बाजार में कुल 10 कारें ही हैं। तो कुल मिला के जो सभी 10 कारें हैं उनकी बिक्री आपके सामने आ जाएगी अप्रैल 2021 के महीने में। तो बात कर लेते हैं, 10वें नंबर से शुरू करें तो 10वें स्थान पर रही है होंडा की WRV, जो पिछले महीने मार्च 21 में भी 10वें स्थान पर थी। होंडा WRV की अप्रैल 2021 में 1194 यूनिट बिकी है और ये 10वें स्थान पर रही। मार्च से यदि इसकी तुलना करें तो उस समय 978 यूनिट बिकी थी। थोड़ी बहुत ज़्यादा बिकी है होंडा WRV मार्च से अप्रैल में, और ये इसके लिए ठीक या कहें अच्छी या पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा 9th पोजिशन की बात करें तो ये गाड़ी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 2155 यूनिट अप्रैल 2021 में बिकी है। मार्च में ये इस टैली में 7वें स्थान पर थी, जब इसकी 3162 यूनिट बिकी थी। तब 3162 से 2155 तक आना, यानी 1000 से ज़्यादा यूनिट कम बिकी है अप्रैल 2021 में। कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए ये चिंताजनक बात है कि वो अब 7वें स्थान की बजाय 9वें स्थान पर पहुंच चुकी है। 8वें स्थान की बात करें तो ये है रेनो की हाल ही में लॉन्च हुई काइगर, ये भी चिंता वाली बात है क्योंकि पिछले मार्च महीने में ये 6वें स्थान पर थी और अब ये आ चुकी है 8वें स्थान पर। काइगर की 2800 यूनिट ही बिक पाई है अप्रैल 2021 में, जबकि यदि इससे तुलना करें मार्च 21 से तो इससे कहीं ज़्यादा 3839 यूनिट बिकी थी। तो 1039 यूनिट कम बिकी है अप्रैल में मार्च की बजाय काइगर। और साथ ही साथ ये भी एक नोट करने योग्य पॉइंट है कि रेनो की काइगर पीछे रही है बिक्री मामले में निसान की मैग्नाइट से। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही वो मैग्नाइट को हमेशा पीछे छोड़ती आई है, लेकिन ये तीसरे महीने में जाकर के अब ये स्थिति आई है कि मैग्नाइट 7वें स्थान पर रही है और काइगर को उसने पीछे छोड़ा है बिक्री के मामले में। निसान की मैग्नाइट की 2904 यूनिट बिकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसकी तुलना करें मार्च से तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि उस समय भी लगभग 2991 यूनिट बिकी थी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि निसान की मैग्नाइट की बिक्री ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन चिंताजनक बात ये कि इस महीने में यानी मई के आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तो हो सकता है निसान के आंकड़े हमें काफ़ी निराश करें, क्योंकि अब जो है वो कारों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। खैर साथियों, 6ठे स्थान पर रही है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, उसकी 3820 यूनिट बिकी है। पिछली बार ये 5वें स्थान पर थी, इस बार 6ठे स्थान पर रही है। हालांकि उस समय 5000 से ज़्यादा 5487 यूनिट बिकी थी। तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि फोर्ड की इको स्पोर्ट्स ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। 5वें स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या कहें कि शानदार प्रदर्शन करने वाली कार महिंद्रा XUV 300 है, इसकी 4144 यूनिट अप्रैल 21 में बिकी है और ये मार्च में 9th पोजीशन पर थी, जो सीधे जंप करके अब 5वें स्थान पर आ चुकी है। मार्च में इसकी केवल 2587 यूनिट बिकी थी। तो यहाँ बड़ा फर्क है, मार्च से अप्रैल में दूसरी कंपनियों की गाड़ियाँ कम बिक रही है, वहाँ महिंद्रा XUV 300 2500 से 4001 को क्रॉस कर दिया आंकड़े को, यानी काफ़ी ज़्यादा और अच्छा प्रदर्शन महिंद्रा की इस छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी की। इसके अलावा बात करें 4थे स्थान पर तो वो है टाटा नेक्सन, हालांकि ये मार्च में तीसरे स्थान पर थी, लेकिन इस बार फिर से एक स्थान खिसकी, ये 4थे स्थान पर रही है। 6938 यूनिट टाटा नेक्सन की बिकी है और उससे यदि तुलना करें मार्च 21 से तो उस समय इससे कहीं ज़्यादा 8683 यूनिट बिकी थी, और इसने बिक्री के मामले में पहली बार किया कि सोनेट को पीछे छोड़ा। लेकिन ये खुशी इस महीने शायद कम होगी या काफूर होगी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से किया कि सोनेट तीसरे स्थान पर रहते हुए नेक्सन को पीछे छोड़ने में सफल रही है। तो किया सोनेट की बात करें तो 7724 यूनिट उसकी बिकी है अप्रैल 21 में, और यदि तुलना करें मार्च 21 से तो 8498 यूनिट मार्च में बिकी थी। ओवरऑल में कह सकते हैं कि 4थे स्थान पर थी, जब अब ये आगे आकर के तीसरा स्थान किया को मिला है। अब बात करें नंबर 2 पे रहने वाली गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, जो मार्च में नंबर 1 पे थी अपने सेगमेंट में और ये अब रही है नंबर 2 पे। इसकी कुल 11220 यूनिट बिकी है, और यदि इसकी तुलना करें मार्च 21 से तो उस समय 11274 यूनिट बिकी थी। तो बिक्री में ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो टेबल है उसमें ये नंबर 2 पे पहुंच चुकी है और इस बार टॉप करने वाली हुंडई की वेन्यू रही है। साथ ही आपको बता दें कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा और हुंडई की वेन्यू, ये दोनों कारें
भारत की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारें हैं उनमें जगह बनाने में सफल हुई है। ब्रेजा 9वें स्थान पर रही थी और हुंडई जो है 9वें स्थान पर रही थी, जबकि ब्रेजा 10वें स्थान पर अप्रैल में रही है। हुंडई की वेन्यू की 11,245 यूनिट बिकी है अप्रैल 2021 के महीने में, जबकि इसकी तुलना करें यदि मार्च 21 से तो 10,722 यूनिट तब बिकी थी और ये नंबर 2 पे थी। साथियों अप्रैल 20 से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अप्रैल 20 में पूरी तरह से लॉकडाउन था और किसी भी कार कंपनी की कोई भी गाड़ी नहीं बिकी थी। कुल मिला के साथियों ये थी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आपका फेवरेट सेगमेंट है उसकी 10 गाड़ियाँ, जो हालांकि काफ़ी नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। टैली काफ़ी बदल चुकी है, टेबल में ऊपर नीचे काफ़ी गाड़ियां हुई है, पिछली पोजीशन कोई भी गाड़ी बरकरार नहीं रख पाई है। आने वाले समय में इस सेगमेंट में और ज़्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना हम मान सकते हैं। आप यहां तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथियों मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।